South Africa. सामने देखिए राइट में आके यहां पे राइट साइड है यहां पे राइट साइड यहां पे ये साइड पे नहीं मैं नहीं जानता, मैं बच्चा नहीं हूँ और मैं हिंदुस्तान को भी लगता नहीं हूँ, लोग मुझे अफ्रीका का समझते हैं। हाँ जी बहुत अच्छा माहौल बना है। इशाक भाई इस प्रोडक्शन को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रोडक्शन का नाम ही डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ एंटरटेनमेंट, कितनी अच्छी बात है। और इशाक भाई मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी, आपने इस प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट मुझे बुलाया। आप चाहते तो राहुल गांधी को भी बुला सकते थे क्योंकि उन्हें कोई नहीं बुला। दिल पे हाथ रखे आए इशाक भाई, अब बिल पे भी हाथ आप ही रखो। इस प्रोग्राम का फंक्शन का बिल आपको भरना है। फिल्म का नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा, अहिंसा। अहिंसा जो टाइटल है ये बहुत अच्छा है, आज के जमाने की जरूरत है। अन्ना हजारे जी की टैगलाइन थी, माना चाहता कि हिंसा हो, अहिंसा होना चाहिए। हिंसा अच्छी बात ना, मैंने अरविंद को भी बोला तो हिंसा मत कर, कर रहा है हिंसा तो चला गया। तो हिंसा जो है वो कभी भी किसी काम नहीं आती, ये देखा आपने। और खासकर आज म्यूजिक रिलीज है, आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज ये बहुत जरूरी है कि आप सब सपोर्ट करें, आशीर्वाद दें, दुआएं दें। सब लोग अपने खास लोग, परिवार के लोग आए हैं, कुछ लोग आउट ऑफ बॉम्बे से आए हैं, कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया से भी आए हैं। इस तरफ देख रहे हैं हम, खास अफगानिस्तान से आए हैं। सलाम अलैकुम, मेरा भाई मैं अफगानिस्तान से आया, तो बहुत अच्छा लग रहा मेरे को। अच्छा ये जो ये तो मेरे ख्याल से अरब कंट्री से, पठान भी एक कौम होती है। पठान ऐसी कौम होती है कि बहुत मासूम कौम होता है, मतलब जिससे दिमाग बढ़ता है, काजू वगैरह वो बेचते हैं, खाते नहीं है, खुद खाए तो दिमाग बढ़े नहीं, वो बेचते हैं। एक पठान को देखा मैंने, वो दुबले पतले आदमी को बहुत मार रहा है लातों लाते से। मैं खुदा कसम तेरे को छोड़ेगा नहीं, खरबूजे के औलाद, तरबूजे के औलाद, तेरे को कौन कौन कर देगा, छोड़ेगा नहीं। बेटा ये दुबले पतले आदमी क्यों मार रहे पठान साहब, आप तो माशाल्लाह इतने हाइटेड है, क्यों बच्चे को मार रहे आप? खुदा कसम ये दुबला पतला झिंगुर मेरे को पिछले साल गेंडा बोला, तो आज क्यों मार रहे? और खुदा कसम गेंडे को आज देगा, हमको मार बड़ा गेंडा ऐसा। तो ये पठान जो हमारे होते हैं बड़े फनी किस्म के होते, दिल के बड़े साफ होते हैं, दिमाग के भी अच्छे होते हैं। तो म्यूजिक रिलीज की बात जब चल रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हनी सिंह की याद ना है, याद में ऐसा नहीं कि वो कहीं है अपने साथ ही है, सब हमारे साथ नहीं है दोस्तों, हनी सिंह आज हमारे बीच नहीं है, मतलब यहाँ नहीं है, कहीं और है। तो हनी सिंह की याद ना ऐसा हो नहीं सकता, हनी सिंह का गेटअप
देखा। अच्छा कितने लोग ये मानते हैं, ताली बजाइएगा मेरे इस बात को, अगर आप मानते हैं, कितने लोग मानते हैं कि वो हरभजन सिंह की हम शक्ल है? हाँ, यो यो हनी सिंह, हरभजन सिंह, उनकी दाढ़ी मुझे निकालो तो सिर्फ यो यो हनी सिंह लगेंगे, हरभजन सिंह। अच्छा हरभजन सिंह भी म्यूजिकल नाम है, हरभजन सिंह, हरभजन सिंह वो भी म्यूजिकल नाम है, लेकिन यो यो हनी सिंह को देखो, उनके गेटअप को देखो, इतना इतने बाल है चांद जैसे सर पे, लगता है जैसे हनी के बाल है ना, हनी मून चांद जैसा। तो इशाक भाई से मैंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए आपके फेवरेट पसंदीदा कैंडिडेट कौन है, तो उन्होंने कहा योयो हनी सिंह, और उन्होंने फोन भी कर दिया, योयो हनी सिंह ने अपनी पार्टी बना ली और भाषण भी दे रहे, योयो हनी सिंह पार्टी बनाकर भाषण दे रहे पीएम पद के लिए, योयो हनी सिंह बनाओ मनमोहन सिंह, इंडिया की सारी सारी शाबाशी है पीठ पे, मीडिया की सारी सारी शाबाशी है पीठ पे, चुनाव लड़ूंगा तगड़ा अमेठी सीट पे। अरे देश बेचारा बरसों से है रोरिया, मनमोहन जी का ताता थैया हो रिया, कांग्रेसी पीठ पे। दोस्तों यो यो हनी सिंह ने अपनी पार्टी की उन्नीस, पार्टी का मकसद ये है पार्टी फॉर राइट्स, वी नीड पार्टी फॉर राइट्स, मेरी पार्टी सच्ची पार्टी, आ जाओ तुम इसके भीतर, जो आएगा वो सिकंदर ना आएगा, वो है बंदर, दिल्ली हरियाणा की कुड़ियां भी आई है, साथ में अपोजिशन के कंप्लेंट्स भी लाई है, आपकी समस्या का जो भी जिम्मेवार है, कल काम हो जाएगा, आज रविवार, वोटिंग शोटिंग करके मुझे चितवाना तुम, गलती से एंटी पार्टी आना तुम, क्योंकि एंटी फुलिश बना देगी, मेरी पार्टी चलेगी। तो आपको करना क्या है इलेक्शन के दिन, करना क्या है आपको, वोटिंग वाले ग्राउंड में जाके मेरे साउंड में साउंड मिला के, मुझ पे अपना ठप्पा लगा के, पहुंचा दो तुम नेता बना के, ऑल द यो यो फैंस, रे भैया मुझको दे दो चांस, रे भैया कुर्सी चांस। आपको समझ नहीं लूंगा, मुझे पता है प्रोग्राम शुरू होना है, एक ही बात कहूंगा हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी की हवा है, लहर सुनामी है, सब तरफ उनका ही नाम है, एक नारा बड़ा चलता घर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, ईशा भाई घर से बाहर निकल देते तो घर भाभी को फोन करते थे मोदी घर में तो नहीं है, सुन रहा घर घर मोदी, इतना फेमस हुए है। और मोदी जी जब भाषण देते तो लगता है एक प्राइमरी स्कूल का टीचर भाषण दे रहा अपने स्टूडेंट्स। सोनिया जी ने कहा था नौकरी मिलेगी, मिले पीछे आपको मिले, सोनिया जी जब नौकरी है ही नहीं तो कहां से, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं मित्रों, अगर मैं चुन के आ गया तो नौकरियां सबको मिलेगी, नौकरी चाहिए कि नहीं आपको, आपको चाहिए, तुमको चाहिए भैया, अगर सबको नौकरी चाहिए तो एक काम करो, पहले मुझे नौकरी दो। फिर देखो इस देश का बदलता चित्र हो। तो ये सारी बातें हैं। हाँ, अगला प्रोग्राम क्या है मुझे बताइए। हाँ, म्यूजिक लॉन्च के लिए हम जो यहाँ पे जोरदार, अब तो नाम बता दो क्या, केनी कुकरेजा, कोई आसान नाम नहीं मिला जिंदगी में, कोई आसान काम करेगी नहीं, वैसे भी देश की जो लड़कियां हैं कोई आसान काम नहीं करती, अगर आसान काम कर रही होती तो आप मेरी साथ वाली गर्लफ्रेंड होती। जोरदार तालियां केनी के लिए, केनी बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, इसका एक अपना मतलब है, क्या मतलब है? वेल थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां हो जाए पहले इनके लिए, एंड थैंक यू एवरीवन हियर, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी सीटेड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेल हम जो हमारा आज का इवेंट है, जैसे कि सुनील पाल ने भी कहा, शुरू करेंगे थोड़ी समय में, तो लेट्स हैव अ लिटिल म्यूजिक, और आर आर्टिस्ट
the people behind the movie, the people in front of the camera, well, with the team of Mr. Nav Khan, Ms. Kashmi Kanchan, Mr. Anoop Shukla, with well supported people by Neetu Gadwa, Jitendra Shilpali, Tara Sharma, Vinod Pal Singh, Chandesh Singh, Aarti Rai, and a team of very hardworking, talented technician and subcast have made this movie possible, and of course the music also. Can we have a huge round of applause for the whole team here? I request all of you to spread out. मेरा नाम उन्होंने अपने मोबाइल पे सदमा बोल के लिख दिया।
सर वो कुछ एडिटिंग चल रहा है, कुछ पैसे उसे चाहिए। वो कोई बात नहीं, मेरा भाई ईशाक को मिल जाएगा। कितना चाहिए? 20,000। वो मिल जाएगा। इमाद भाई से, इमाद भाई ने नरेश भाई से शेयर किया, नरेश भाई को पता है पैसा देना है वहां पर। नरेश भाई की खासियत बताओ, पैसा देना है वहां पर। दोनों आए शाम को, नरेश भाई को पता है पैसा देना है, इमाद भाई को पता है पैसा देना है। अब एक मिलते हैं तो होती है ना कुछ बातें, कैसा चल रहा है काम? हाँ सर अच्छा चल रहा है, चर्चा की जो है प्रोचर वाला ऐसे करते हैं। हाँ अच्छा चल रहा है। अब नरेश भाई वेट कर रहे, ये तो बात दूसरी कर रहे, एक घी दही वगैरह सब चीज का की आमद बढ़ जाएगी और हमें जान नहीं लेना चाहिए। इस फिल्म के लिए मेरी दुआएं भी है, मैं कादरी बाबा मध्य प्रदेश, शुक्रिया नवाजिश। और आप सबसे बहुत उम्मीदें हैं और आप सबका साथ चाहिए जैसे आज है हमेशा हमारे लिए, इस टीम के लिए। सभी ने इस टीम में बहुत मेहनत की इस फिल्म को बनाने, स्टार्ट से लेकर एंड तक हर आदमी अपने दिल से जानो जिगर से धन दौलत से सभी से जुड़ा हुआ है। और इंशाल्लाह लेना चाहते हैं डेफिनेटली रॉक करेगी और एक मुहिम चलाई है अपने इंसानियत को लेकर। और लेना चाह अगर ये कामयाब रही तो जरूर ये बीच का जो फितना है वो खत्म हो जाएगा और दो भाई आपस में हमेशा मिलकर रहेंगे। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने इस फिल्म में एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया है। एक लाइन बोलती हूँ, क्या जर्नलिस्ट कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिसमें दिल का बस ना चले? नहीं, देखिए गाय हमारी माता है, शायद हमको शुरू से यही सिखाया जाता है लेकिन बड़े होने तक हम सब ये भूल जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितना हो सके गाय को बचाएं प्लीज। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारी अहिंसा की दुनिया में। आप सभी का वेलकम है हमारी अहिंसा की दुनिया में और आप सभी का मैं दिल से इस दुनिया में स्वागत करता हूँ और थैंक्स बोलता हूँ। मेरी नजर में मीडिया और गेस्ट जो यहाँ पे आए हुए हैं तो दवा और दुआ के हिसाब से मैं मीडिया को अपनी फिल्म के लिए खास करके एक दवा के हिसाब से समझूंगा और गेस्ट को जितने भी मेरे गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पे उनको दवा के हिसाब और अपनी फिल्म को एक मरीज और एक मरीज को जब तक दवा और दुआ नहीं मिलेगी वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमने जो अहिंसा के द्वारा एक मिशन चलाया है सेव फाउंडेशन, तो मैं चाहता हूँ कि दवा और दुआ के साथ वो कामयाब हो और मेरा दिल कहता है जब दवा दुआ और दवा साथ होती है तो सारी चीजें आसानी से कामयाब हो जाती है। और एक छोटा सा नारा है जो शायद आप लोगों को अच्छा लगे तो बोलिएगा वरना कोई बात नहीं कि जय अहिंसा और जय भारत। तो आज के दौर में अगर मैं बात करूं तो फिल्में मोहब्बत से रिलेटेड होती है, लेकिन आपने ये जो फिल्में बनाई है क्या सोच के बनाया? क्या आपको लगता है वाकई कि ये फिल्में चलेंगी या नहीं चलेंगी? ऐसा जरूरी नहीं है कि एंटरटेनमेंट में अगर क्या रोमांस डालो या हीरो हीरोइन के लिप किसिंग दिखाओ तो ही फिल्म चलती है। अगर ऐसा होता तो शायद जय संतोषी माँ चलती नहीं। अब समझ रहे हैं, इसमें कोई लिप किस नहीं था ना ही कोई बेड सीन था, सॉरी मैं अब क्या ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया, बट एक मैसेज वाली फिल्म थी और एक धार्मिक फिल्म थी और लोगों ने इतना पसंद किया कि उसके सामने लोग शायद मजाक में कह देते हैं कि यहाँ तो याद है जैसी फिल्म फ्लॉप हो जाती है और जय संतोषी माँ करोड़ों रुपए का बिजनेस कर देती है। तो हमने भी सिर्फ यही सोच के अपने ये पहल की और आज सभी इंडस्ट्री में ग्लैमर उसी के पीछे सब भाग रहे हैं तो भैया मैसेज कौन देगा? और फिर फिल्मों को बोला जाता है कि समाज का आईना, सन्नी लियोन को लाओगे वो समाज का आईना है।
कुछ ऐसा काम करो जिसपे बॉलीवुड तो गर्व करे ही, सबसे पहले आपको जन्म देने वाले आपके माँ बाप गर्व करें कि हमारे बेटे ने या बेटी ने ऐसा काम किया है जिससे वाकई मैं चलता हूँ मार्केट में या किसी फैमिली वाले को जाता हूँ तो मेरी तारीफ होती है कि ये इसका बेटा ये नहीं है, ये उस बेटे का बाप। तो मैंने भी यही सोच के बस ये फिल्म बनाई है कि मेरे फादर या मेरे प्रोड्यूसर या मेरे आर्टिस्ट कहीं भी जाएं तो लोग ये कहना चाहिए कि ये अहिंसा टीम से और अहिंसा फिल्म इन्होंने बनाई है या जिसने अहिंसा बनाई है वो इनका बेटा है। तो ये सारी चीजें हैं। वैसे फिल्म में कंप्लीट एंटरटेनमेंट है, चलो आप देखेंगे फिल्म थिएटर में तो जरूर पता चलेगा। तो फिल्म अगर आप फैमिली, आजकल वैसे भी फिल्में फैमिली के साथ देखने लायक बनी नहीं, जैसे हम पहले मम्मी पापा सभी के साथ देख लेते थे फिल्में, लेकिन आजकल में हम देख ही नहीं पाते, सिंगल सिंगल होकर सबको देखना पड़ती है। ये डिफरेंट फिल्म है जो कि इंशाल्लाह सभी देखेंगे और आप चार लोग बैठ के देख सकते हैं, फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ फिल्म देख सकते हैं। कंप्लीट एंटरटेनमेंट है और मैसेज के साथ में, अगर आप किसी को इस तरीके से बात समझा सकते हैं एंटरटेनमेंट अच्छे से, तो डेफिनेटली आप जीत जाए जीत गए। और हम वही कोशिश की हमने कि मैं अच्छी बात समझा सके सबको। थैंक यू। माय क्वेश्चन इज विद द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। ओके, या सिंस जैसे आपकी मूवी के टाइटल से क्लियर है कि ये एक मैसेज है, सो एग्जैक्टली सिंस द मूवी इज सपोज टू हैव सम एंटरटेनमेंट लाइक, सो आपकी मूवी में क्या एंटरटेनमेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक एंटरटेनमेंट के लिए क्या कुछ है? वेल, मैसेज तो है, इट्स रियली अ वेरी स्ट्रांग मैसेज। सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट तो इसमें अभी आप लोगों ने आइटम सॉन्ग देखा होगा कि पिछिया भवंडर की लूट ले आ जम के, समझे? तो जो हमारी ऑडियंस है सिंगल थिएटर वाली, उसको ऐसा ही चाहिए कि पिछिया भवंडर हो एक थिएटर में जिसका हम मजा ले। तो एंटरटेनमेंट के लिए मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने इसमें एक रोमांस रखा है, एक्शन रखा है, इमोशन को खास मैंने इसमें अच्छे तरीके से पिरोया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया की फिल्म में इमोशन नहीं है तो फिर फिल्म डब्बा, चाहे वो कोई भी बनाए, भाई सवाल मेकर बनाए और या कोई भी बनाए, हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की हो। हॉलीवुड की फिल्में देखता हूँ, लोग बोलते हैं कि यार हॉलीवुड की फिल्में टेक्निकली बहुत होती है, बट कई मेकर ऐसे हैं जिनकी मैं फिल्में देखता हूँ, उनकी फिल्मों में टेक्निकली चीज़ें तो होती हैं लेकिन इमोशन भी होता है। तो अगर इमोशन को आपने फिल्म से अलग कर दिया तो फिल्म शायद ही मेरे ख्याल से चलने वाली है थिएटर में। तो मेरी फिल्म फुल एंटरटेनमेंट है, वो भी मैसेज के साथ, और कोई भी जो मेरी ऑडियंस है, आज मैं आप लोग के सामने क्या ये बात क्या बोल रहा हूँ, कल ये बात हो सकता है मेरी ऑडियंस तक पहुँचेगी, तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि अगर वो 100-200 जितने का भी टिकट लेंगे तो वो फुल पैसा वसूल होगा उनका, क्योंकि फिल्म में वो जैसा चाहते हैं हमने वो फिल्म में सारी चीज़ें दी हैं, एक्शन, इमोशन, रोमांस, इमोशन, सैक्रिफाइस, सारी चीज़ें। तो उनका पैसा कहीं से भी बेकार नहीं जाने वाला है। दैट्स इट। मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से है, इस फिल्म में गौ हत्या के खिलाफ जो संदेश दिया गया है, तो क्या आप ये माना जाए कि गौ माता के भी अच्छे दिन आने वाले हैं? बिल्कुल श्योर। आपकी इस बात पे, मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई झंडा लेके आपके साथ चले तो सबसे आगे मैं रहूंगा। बिल्कुल, हनी सिंह जो है, हनी नाम भी ऐसा कि हर किसी के जबान पर, एक जमाने में शहद हुआ करता था, आजकल हर किसी के जबान पर हनी है। और हनी की फिल्म आई एक्सपोज, अगर उसमें सनी होती उनका नाम होता एक्सपोज, मगर हनी सिंह वाकई।
एक सुफियाना एक गाना है इसमें और एक रोमांटिक सॉन्ग है, सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग है, एक सैड सॉन्ग है, एक जिंदगी के ऊपर गाना है। इस तरह से चार पांच कलर हैं अलग अलग, तो उम्मीद है लोगों को पसंद आएंगे। एक अली मौला गाना है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, दिल रसिया एक गाना है जो लोगों को पसंद आ रहा है, जिंदगी के ऊपर एक गाना है और एक सैड सॉन्ग है और एक आइटम सॉन्ग है जो फिल्म की रिक्वायरमेंट। फिल्म बेसिकली एक मैसेज है, फिल्म ये एक मैसेज है ऑडियंस के लिए कि गौ हत्या के ऊपर, और सबसे जो इसमें हाइलाइटेड पॉइंट है वो ये है कि सब पूरा क्रू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब मुस्लिम क्रू है और वो इसके गौ हत्या नहीं होनी चाहिए इसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं फिल्म को लेकर, मैं समझता हूँ कि बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय बात है। आने वाली बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा मीडिया के सामने, और बहुत जल्दी आप मेरे दो गाने वीडियो शूट जब भी करके आए हैं वो आप देखेंगे बहुत जल्दी। मैं अभी दो फिल्में आ रही हैं और उसके लिए वो चल रही है, बाकी मेरा सिंगल भी चल रहा है तो उसमें थोड़ी मैं बिजी हूँ। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा कॉम्पीट कितनी पार्टीज ऐसे अटेंड करनी और एक नाम बन चुका है, तो जब इंसान का नाम बन जाए तो उसको लगता है थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है और कुछ नया करने के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है रूफ हो जाना चाहिए, उसके बाद आप वापस प्रेजेंट होते हैं, नया पन भी रहता है और आपको भी मजा आता है और ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ऑब्वियसली आप जो मैं नहीं बताऊंगी, मैं भोजपुरी फिल्म भी कर रही हूँ अभी रिसेंटली, मैंने भोजपुरी फिल्म में भी आइटम नंबर किया है। मेरा नाम है फिल्म के अंदर नकखटी नैनो, पूरा गाना मेरे ऊपर और उसमें और केसरी लाल दोनों सुपरस्टार हैं भोजपुरी में, तो शायद मैं वो भी कर रही हूँ और पंजाबी फिल्म भी मैं कर रही हूँ, तो आई एम एक्सपेरिमेंटिंग एवरीथिंग। मराठी फिल्म में भी आपको बहुत जल्दी दिखूंगी। तो कैसे काम करने मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे नाम दिया है, शौहरत दी है, सब कुछ दिया है, तो एक मराठी फिल्म भी बनती है और मुझे ऑफर आया है, रीजनल फिल्म भी कर रही हूँ, हिंदी फिल्म भी कर रही हूँ, सीरियल भी कर रही हूँ, बहुत जल्दी रियलिटी शो में भी दिखूंगी इंशाल्लाह। इसको एक्सेप्ट करेंगे इन्होंने थोड़ा उसको, सबसे पहले मैंने ऐसी कोई फिल्म अभी तक देखी नहीं और सेव द काउ जब मैंने देखा लोगों की टी शर्ट पे तो आई वॉज लाइक क्वाइट सरप्राइज, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये इसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन बहुत अच्छा मैसेज है और जिस तरह उन्होंने स्टोरी को निट किया होगा, उसको पिरोया होगा और उसके अंदर और भी चीज़ें डाली हैं जो फिल्म के फिल्म को और हाइप कर सकती हैं, तो एक स्टोरी भी है, एक एंटरटेनमेंट भी है और मैं इनको अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए खास तौर से यहाँ पर आई हूँ और मुझे लगता है फिल्म बहुत इंशाल्लाह बहुत अच्छी चलेगी। थैंक यू। रोल सुनील सर से मैं पूछना चाहूँगा, हनी सिंह के बारे में आपने जो बताया जी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड उनके म्यूजिक से, उनके पर्सनैलिटी। बिल्कुल, हनी सिंह जो है, हनी नाम ही ऐसा कि हर किसी की ज़बान पर है, एक ज़माने में शहद हुआ करता था, आजकल हर किसी की ज़बान पर हनी है, और हनी की फिल्म आई एक्सपोज, अगर उसमें सनी होती तो फिल्म का नाम होता सेक्सपोज। मगर हनी सिंह वाकई आजकल युवाओं के दिलों पर छाए हुए हैं, इसलिए हमारा एक एज ए कलाकार एक तरह से काम है कि हम दर्शकों को हर तरह का एंटरटेनमेंट दें और जिनको हनी सिंह पसंद है उनके 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 सामने हनी सिंह की बातें करें। आप अभिनेता हैं तो आप क्या मानते हैं इस तरह की सोशल बेस्ड फिल्म आती है जी, उसको दर्शक कितना एक्सेप्ट करते हैं? करना ही चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए एक अच्छा मैसेज है, गौ रक्षा जो है बहुत बड़ा, देखिए समाज का हर तबका ये कहता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और हर तबका अपने तरह से कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में हमारे जो भाई लोगों ने शुरुआत की है अहिंसा फिल्म बनाकर, मुझे लगता है कि पूरे समाज को बढ़ चढ़ के इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनकी फिल्म को हिट करना चाहिए। मोदी के बारे में आपने कहा, क्योंकि गाय हमारी माता है, इसलिए अंग्रेज लोग एक दूसरे से कहते हैं है गाइज, उनको पता है कि हम गाय के बेटे हैं तो गाइज ही है। मोदी के बारे में आपने कहा कि मोदी जी को नौकरी चाहिए तो उनको तो नौकरी मिल गई, तो अब नौकरी मिलने का कितना वो जस्टिस करने वाले हैं? मुझे लगता है कि मोदी जी की लहर है, हर आदमी ने भाजपा का साथ दिया है, मोदी सरकार का साथ दिया है, अब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्होंने कहा है, पहले से कह रखा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ मित्रों, मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ मित्रों,
मुझे चौकीदार बनाइए, मुझे नौकर बनाइए, मुझे अपना घर का सेवक बनाइए मित्रों। तो अब अगर वो ऐसा कहते हुए जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कहा अब तक का प्रधानमंत्री मौन था, अब नमो होना चाहिए मित्रों। और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बालक के लिए माँ की गोदी चाहिए, उसी तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी चाहिए। और कोई प्रोजेक्ट पे काम करने वाले? हाँ, मेरी फिल्म आ रही है मनी बैक गारंटी, जो अभी रिलीज हो रही है अगस्त में, उसके लिए तैयारी चल रही है मेरी, सारा काम हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। साथ साथ में यूट्यूब पे अरविंद केजरीवाल पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे तीनों महारथियों का नाम था, मोदी राहुल केजरीवाल वोट फॉर सुनील पाल, और यूट्यूब पे हंगामा मचा रहा है। पर हमारे केजरीवाल तो हंगामा मचाते रहते हैं, मैं यूट्यूब पे हंगामा मचा रहा हूँ, ये यहाँ तिहाड़ जेल में हंगामा मचा रहे हैं। अच्छा है, मोदी जी के पास माँ है तो केजरीवाल के पास हंगामा है। थैंक यू। एक्चुअली मेरा किरदार एंटी एक्शन हीरो का है, जो कि पहले इन्वॉल्वमेंट रहता है गाय हत्या में उसका, और बाद में फिर वो टर्न करता है पॉजिटिव, जैसे कि हीरो टर्न करते हैं इसी तरह के। लेकिन एक कहते ना कि जब तक इंसान को ऊपर वाले की लाठी नहीं पड़ती तो वो सुधरता नहीं है, तो उस कैरेक्टर के साथ भी कुछ ऐसे हुआ कि उसको ऊपर वाले की लाठी पड़ी और वो अपने आप टर्न हो गया, लेकिन किसी के प्यार में, और कल्पना उससे बहुत प्यार करती है, तो कभी कभी कहते हैं ना कि प्यार भी आदमी को चेंज कर देता है अगर शिद्दत से चाहो। तो कल्पना के प्यार में वो ताकत थी और मुझे चेंज होना था, और मेरे ज़रिए वो गाय हत्या बंद होनी थी, तो सारी चीज़ें हुई और धीरे धीरे मैं पॉजिटिव हुआ और मैंने सारे काम को अंजाम दिया, गाय हत्या बंद करवाई कल्पना की सपोर्ट से। मेरा किरदार जो इसमें सूफी का है, जो कि एक मुस्लिम नौजवान है, और इस गाय हत्या के अगेंस्ट में खड़ा होता है बिकॉज ऑफ कल्पना। कहते हैं कि सपोर्ट के बगैर शायद कोई चीज़ होती नहीं, और अकेला चना बाहर नहीं रोक सकता, उसी तरह अगर सब कोशिश करेंगे कि ये चीज़ बंद हो जाए तो शायद बंद हो सकती है, और कोशिश करें कि इंसानियत ज़िंदा रहे, इंसानियत ज़िंदा रहेगी तो सारे लोग अच्छे रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि दो भाई आपस में मिलकर रहें और भाईचारे से रहें, और ये चीज़ जो शिद्दत लड़ाई की जो भी जड़ है, जो कि पॉलिटिकली जैसे भी हो जाती है, सब जानते हैं सच क्या है, ये सब ये जो चीज़ें लड़ाई की जड़ें हैं ख़त्म हो जाए और सब मिलकर अच्छे से रहें, बस यही हमारी कोशिश है, और आपस में भाईचारा बना के रहें। आप सब जानते हैं कि हमारी जो जर्नलिस्ट है, शायद पहले मैं इतना रिस्पेक्ट नहीं करती थी, इस फिल्म को करने के बाद बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि एक लड़की, जैसे कि आप देखते हो, एक लड़की छोटी से लड़की होते हैं, कहा जाता है घर में रहते हैं कि भाई एक टाइम से उसकी शादी कर देनी चाहिए, ये सब बातें होती हैं। लेकिन जब एक लड़की जर्नलिस्ट बन जाती है और रातों घर से भाग के निकलती है और कुछ ऐसे जगहों पर भी जाती है जहाँ मतलब उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब मैंने ये करेक्टर प्ले किया तब मुझे मालूम हुआ कि एक्चुअली मैं, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और मैं लेडी जर्नलिस्ट, गर्ल्स जर्नलिस्ट को तो और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ भी हो एक लड़की को कहा जाता है कि घर चलाना है, प्यार करना है, रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन इन सब काम की वजह से शायद हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, आप लोगों को टाइम नहीं मिलता। उसके बाद अगर शायद मेरे लिए सिर्फ यही एक्टिंग नहीं थी, जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी, मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, मतलब पहली बात तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो इमाद हबीब जी हैं, एक मुस्लिम होने के बाद जब उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई और मुझे पता लगा कि वो गाय हत्या रोकना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये जानने के बाद शायद हम सब लोगों के लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि इसे फिल्म की तरह ना देखें, मतलब आप सब जानते हैं कि आपकी सपोर्ट से अगर आप चाहते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि गाय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप सब उसके बेनिफिट्स जानते हैं, शायद ये फिल्म देखने के बाद आपको उसके और बेनिफिट मिल जाएंगे, तो इसे रोकने की कोशिश करिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ये तीन लोग देखते हैं तो उनका माइंड सेट कितना चेंज होगा कि ये चीज़ मेरे गलत है, इसे ना करें, आपको ऐसा लगता है कि माइंड सेट चेंज हो लोगों का? देखिए मैं इतना जानती हूँ कि आजकल मैसेज फिल्म तो बहुत ही कम आ रही है, ठीक है, रोमांस लोगों को पसंद है, एंटरटेनमेंट पसंद है, एंटरटेनमेंट भी हमने दिया, आप उसके लिए भी जा सकते हैं, ताकि आपको सब कुछ चाहिए फिल्म, ऑफकोर्स अगर मैं एक फिल्म देखने जाऊँगी तो मैं सिर्फ एक टॉपिक पर नहीं जा सकती, गाय हत्या की मैं बात करूँ तो मुझे पता है एक से दो से तीन, और अगर एक भी एंट्री करेगा कि हम गाय को रोकना चाहते हैं, उसके बाद एक के बाद एक दुनिया बदलेगी, मुझे यही।
सूफी और कल्पना पैदा हो जाएंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। ओके थैंक यू सो मच।